नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग क्या आपको मेरी आवाज आ रही है audible to all of you? क्या मेरी आवाज आप सब लोगों तो रही है पीडीएफ आज की क्लास के बाद मिल जाएगी परेशान नहीं होना है आपको ठीक है आज ये टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा ओके वैसे ही आपको इसकी पी मिल जाएगी ठीक है अभी शायद कॉमेंट मुझे नीचे दिख रहे हैं ऊपर आ जाएंगे तो बेहतर होगा है? चले तो शुरू करें आज के सेशन को शुरू करें सेल स्टार्ट बिल्कुल ये क्लास हर उस एग्जाम के लिए जरूरी है हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी जिस एग्जाम में झील से प्रश्न पूछे जाते हैं जिस एग्जाम में लेक से प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक है तो दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर हमने आने वाली मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक सीरीज को शुरू किया है जिसमें हम भूगोल और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे ज्योग्राफी और कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे और इसी कड़ी में कल हमने भारत की झीलों का अध्ययन किया था इंडिया की लेक्स को हमने स्टडी किया था और भारत की झीलों के तहत जो कल हमने पढ़ा उसके तहत झील क्या होती है झील कितने प्रकार की होती है और उन प्रकारों के उदाहरण क्या हैं हमने इसकी बात कर ली थी अगर दो पांच मिनट में हम चीजों को रिकैप करें तो हमने कल ये समझा था कि स्थल मंडल पर सतही जल की एक विशाल राशि जो कि चारों तरफ से स्थलीय भाग से घिरी हुई होती है उसे झील कहते हैं सरफेस वॉटर बॉटी सरफेस वाटर बॉडी जो कि चारों तरफ से लैंडमास से सराउंडेड होती है उसे लेक कहा जाता है झीलें कई प्रकार की होती हैं जिसमें पहला प्रकार होता है विवर्तनिक झील जिसे टेक्टोनिक लेक कहते हैं तो विवर्तनिक प्रक्रिया जैसे पृथ्वी के किसी भाग के नीचे धसने से भ्रंशन से या फिर वलन से होल्डिंग से फॉल्टिंग से या फिर डिप्रेशन की वजह से जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें विवर्तनिक झीलें कहा जाता है भारत में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जम्मू कश्मीर में बनी हुई वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर लेक फिर दूसरा हमने समझा था ज्वालामुखी झील अर्थात वॉलकैनिक लेक तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसकी वजह से सामान्यतः ऊपर एक बहुत गहरा गड्ढा बन जाता है उस गड्ढे को क्रेटर कहा जाता है जब उस क्रेटर में पानी भर जाता है जब उस गड्ढे में पानी भर जाता है तो वह एक झील का रूप ले लेता है इसे क्रेटर झील कहा जाता है या इसी को ज्वालामुखी झील कहा जाता है भारत में ज्वालामुखी झील का जो सबसे अच्छा उदाहरण है इंडिया में वॉलकैनिक लेक का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्तों वह है महाराष्ट्र के बुल्ढाना में स्थित लोनार झील फिर हम आगे बढ़े हमने नदीकृत झीलों की बात की हमने फ्लुवियल लेक को डिस्कस किया दोस्तों फ्लुवियल लेक का अर्थ होता है नदियों के अपरदन और निक्षेपण से बनने वाली झीलें रिवर्स के इरोजन या फिर डिपोजिशन से बनने वाली झीलें इसमें एक डेल्टा प्रकार की झील होती है और भारत में डेल्टा झील का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वह है कोलेरू झील हम जानते हैं कि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित एक मीठे पानी की झील है ध्र प्रदेश में बनी हुई एक फ्रेश वाटर की लेक है इसी तरह हमने एक और बात समझी थी कि नदी जैसे ही मैदान में प्रवेश करती है वो विसर्पा मार्ग में बहने लगती है वो मियंडर शेप में बहने लगती है कुछ समय के बाद जब विसर्प नदी की मुख्य धारा से कट जाता है तो उससे एक झील का निर्माण होता है जिसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है जिसे गोखुर झील कहा जाता है और भारत में ना सिर्फ भारत बल्कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है जिसका नाम है कनवर कमेंट करके बताएंगे कन्वर लेक कहां पर है दोस्तों तो जवाब आना चाहिए कि सर बिहार के बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा बनाई गई एक झील है जिसे कनवर लेक कहा जाता है जो कि एक बर्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो कि एक पक्षी अभ्यारण भी है यह भी हम जान रहे हैं फिर तो इसके बाद हमने चर्चा की कि हिमानी की वजह से हिमनद की वजह से ग्लेशियर की वजह से भी झीलों का निर्माण होता है ग्लेशियर बड़ी मात्रा में अपर्दन करते हैं इरोजन करते हैं जिससे गड्ढों का निर्माण हो जाता है और उन गड्ढों में जब पानी भर जाता है उन डिप्रेशन में उन गर्त में जब पानी भर जाता है तो झीलों का निर्माण होता है ऐसी झीलों को हिमानी झील कहा जाता है इसे टन लेक भी कहा जाता है और पैटनास्टर लेक भी कहा जाता है भारत में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकांशतः जो झीलें मिलती हैं वो हिमानी प्रकार की झीलें हैं इसमें हमने देखा था कि उत्तराखंड के कुमाऊ हिमालय वाले क्षेत्र में विशेष तौर पर हिमानी झीलें पाई जाती हैं विशेष तौर पर ग्लेशियर लेक्स पाए जाते हैं जिसका उदाहरण हमने जाना कि नैनीताल है सात ताल है नौकुछिया ताल है रूपकुंड झील है रूपकुंड झील को रहस्यमय झील या कंकाल झील भी कहा जाता है क्योंकि रूपकुंड झील के किनारे बड़ी मात्रा में स्केलेटन्स पाए गए हैं बड़ी मात्रा में मानव के कंकाल पाए गए हैं दोस्तों इसी तरह हम आगे बढ़े तो मानव निर्मित झीलों की बात की हमने मैनमेड लेक्स की बात की जिन्हें आर्टिफिशियल लेक्स भी कहा जाता है और जब भी एक बांध का निर्माण होता है तो डैम के पीछे निर्माण हो जाता है इस प्रकार की झीलों का जिसमें गोविंद बल्लभ पंत है गोविंद सागर है इंदिरा गांधी सागर है ऐसी बहुत सारी झीलों के नाम नाम आते हैं। केरल में पेरियार पेरियार नदी पर पेरियार नाम की झील बनाई गई है और वह भी एक मानव निर्मित झील का उदाहरण है आर्टिफिशियल लेक का एग्जाम्पल है इसी तरह उल्कापिंड से भी झीलों का निर्माण हो सकता है वायु से भी झीलों का निर्माण हो सकता है हमने यह भी समझा कि अगर सागर पीछे हट जाए तो गड्ढों में कुछ पानी शेष रह जाता है उससे भी झीलों का निर्माण हो सकता है राजस्थान और गुजरात में जो खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं माना जाता है कि उनका निर्माण सागर के अपगमन से हुआ है रिसेशन ऑफ दी सी की वजह से हुआ है हम जानते हैं कि राजस्थान में सांभर झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय खारे पानी की झील है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है उसके अलावा डिडवाना झील लूनकरण सागर झील पंचभद्रा झील ये सारी झीलें राजस्थान में हैं जो खारे पानी की झीलें हैं जो कि सॉल्ट वाटर लेक हैं। तो इतनी बातों की चर्चा हमने कल की थी मुझे बताइए क्या यहाँ तक आपको सारी बातें स्पष्ट हैं? एक सेकेंड दीजिएगा आप मुझे और बताएं मुझे यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं या नहीं है ठीक है यहां तक सारी बातें क्लियर हैं समझ में आ रहा है उम्मीद यही है कि आप सब लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी नहीं दोस्तों ये दूसरा क्लास है कल हमने इसका पहला क्लास किया था आज झीलों की दूसरी और आखिरी क्लास है आज झीलों वाला टॉपिक हम खत्म करेंगे और हम एमसी भी लगा रहे होंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे ठीक चलिए तो अब दोस्तों जो टॉपिक हमें कंप्लीट करना है दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं देखो भारत में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी झीलें हैं इंडिया में बहुत सारी नंबर्स ऑफ लेक हैं सभी झीलों के बारे में तो पढ़ पाना संभव नहीं है तो हमने झीलों को दो भागों में बांट दिया है पहले हम उन झीलों की बात करेंगे जिन्हें आपको याद रखना ही है जो सबसे ज्यादा जरूरी है जिसमें सबसे ज्यादा सवाल एग्जाम्स में आते हैं और फिर हम चर्चा करेंगे भारत की अन्य महत्वपूर्ण झीलों के बारे में और राज्य के हिसाब से चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है लद्दाख में कौन सी झील है उत्तराखंड में कौन सी झील है इन सभी के बारे में हम अध्ययन कर रहे होंगे ठीक है अच्छा आप लोगों का कमेंट था हिस्ट्री को लेकर के थोड़ा समय दीजिए हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे पहले ये टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं फिर हम इतिहास वाले विषयों के बारे में बात कर रहे होंगे ठीक है चलिए तो अब हम अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक है भारत की सबसे महत्वपूर्ण झीलें इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक अब एक मैप लेकर के बैठिए और मेरे साथ आप अपनी कॉपी में भी झीलों को बनाते जाइए ताकि आपको सारी चीजें याद हो सकें सभी चीजें आपको पता चल सके ठीक है चलो ध्यान दो देखो दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर राज्य की जम्मू कश्मीर राज्य में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और उस झील का नाम है वुलर झील कौन सी झील है दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और इसका नाम क्या है वुलर झील अब मैं वुलर झील के बारे में आपको बता दूं कि वुलर झील विवर्तनिक क्रिया से बनी हुई है हमने कल पढ़ा था कि जो वुलर लेक है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी हुई है और इसी वुलर झील से होकर के एक नदी निकलती है उस नदी का नाम है झेलम नदी का नाम क्या है दोस्तों झेलम और इसी झेलम नदी पर वुलर झील के पास एक परियोजना चलाई जा रही है और उस परियोजना को कहा जाता है तुलबुल परियोजना तुलबुल प्रोजेक्ट क्या कहा जाता है तुलबुल परियोजना या तुलबुल प्रोजेक्ट ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहली झील याद रखना ही है भूलने का चांस नहीं है दोस्तों तो बोलते भी जाइए कमेंट मत कीजिए बोलिए जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जिसे वुलर झील कहा जाता है वुलर लेक कहा जाता है इसके बाद दोस्तों यह कौन सा राज्य है कॉमेंट करके बताएंगे तो सर यह उड़ीसा है कौन सा राज्य है ओडिशा है तो दोस्तों ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये बेसिकली एक लैगून झील है और इस झील का नाम है चिल्का तो कल हमने लैगून लेक की चर्चा की थी समुद्र का एक हिस्सा अगर अलग हो जाए तो जिस प्रकार की झील को लैगून झील कहा जाता है तो भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है यह ना सिर्फ भारत बल्कि एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है ठीक है नमकीन पानी नहीं है खारा पानी है देखो नमकीन पानी सॉल्ट वॉटर और ब्रैकिश वॉटर में अंतर होता है दोस्तों ठीक है सॉल्ट वाटर में सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है ब्रैकिश वाटर में सॉल्ट के अलावा दूसरे सब्सटेंस का कंटेंट भी ज्यादा होता है तो चिल्का कहां पर है उड़ीसा में है और यह ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ध्यान दीजिएगा इस बारे में आगे बढ़ते हैं इसके बाद दोस्तों ये कौन सा राज्य है कमेंट करके बताएं जल्दी से कौन सा राज्य है दोस्तों तो जवाब दे रहे होंगे सर ये राजस्थान है कौन सा राज्य है राजस्थान है और हमने आपको बताया था कि राजस्थान में एक झील है और उस झील का नाम है सांभर झील कौन सी झील है सांभर झील है और सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय नमकीन पानी की झील है ये खारे पानी की नहीं है ये नमकीन पानी की झील है ये सॉल्ट वाटर की लेक है तो याद रखेंगे दोस्तों जो सांभर है इट इज सॉल्ट वाटर लेक इज इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक यहां खारा लिख गया है मैं इसको ठीक कर दूंगा यह नमकीन हो जाएगा ठीक है नमकीन पानी की झील अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि बेसिकली कहानी यह है कि एक तरफ जयपुर आता है और एक तरफ अजमेर आता है ठीक है और जयपुर और अजमेर के बीच में इस तरह से एक झील स्थित है और इसे सांभर झील कहा जाता है सांभर लेक कहा जाता है इस झील में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि यहां से नमक बनाया जाता है यहां से क्या बनाया जाता है नमक बनाया जाता है ठीक चलो आगे बढ़ते हैं यह भी हो गया अब आगे जाकर के देखेंगे अगली जो झील देखेंगे आप अगली लेक जो देखेंगे वो देखें आप सिक्किम में तो सिक्किम हम जान रहे हैं कि यहाँ भारत की एक बहुत ऊंची पहाड़ी है बहुत ऊंची चोटी है जिसे कंचनजंगा कहा जाता है तो यहीं पर एक झील है और इस झील का नाम है सोलामहो या चोलामू लेक कौन सी लेक है चोलामू लेक चोलामू जो झील है दोस्तों ये भारत की सबसे ऊंची झील है इट इज दाइस्ट लेक इन इंडिया इसके अलावा और भी जिले हैं यहाँ गुरुडोंगमर लेक है यहाँ आप आगे जाकर के देखेंगे तो यहाँ आपको चोलामू लेक मिलेगी जिसे सोलामो भी कहा जाता है तो ये यहाँ की इम्पोर्टेंट लेक है तो अभी तक हमने चार झीलों की बात कर ली जल्दी जल्दी मेरे साथ एक बार कमेंट करके बता दो कौन कौन सी झीलें हो गई अगर मैं इसको मिटा दूं, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो जवाब दे दोगे कि सर जम्मू कश्मीर में है और इसका नाम है वुलर झील जवाब देना साथ में फिर मैं आपसे पूछूं भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है तो जवाब दे दोगे कि सर ये चोलामू लेक है कहाँ पर है सर सिक्किम में है फिर मैं आपसे पूछूं भारत की सबसे बड़ी ब्रैकिश वॉटर लेक कौन सी है तो आप जवाब दोगे सर ये चिल्का झील है कहाँ पर है उड़ीसा में है कैसा पानी है ब्रैकिश वाटर है खारा पानी है सर क्या है सर ये एक लेगून है क्या है ये एक लेगून है फिर अगला सवाल मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे बड़ी आंतरिक नमकीन पानी की झील कौन सी है इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड सोल्ट वाटर लेक कौन सी है तो जवाब क्या दोगे कि सर इसका नाम है सांभर कहां पर है सर जो सांभर झील है ये राजस्थान में स्थित है राजस्थान वाले इलाके में आती है बात समझ में आ रही है ठीक चलो चार लेक हो गई सर चार झीलें कंप्लीट हो गई आगे बढ़ते हैं ये वो झीलें हैं जो भूलने का चांस ही नहीं है इतनी हिमाकत मत कीजिए कि आप इन्हें भूल जाए ठीक है इसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो अगली जो इंपॉर्टेंट लेक है वो स्थित है दोस्तों इस राज्य में ये कौन सा राज्य है तो जवाब देंगे अरुणाचल प्रदेश नागपुर और नागालैंड और मणिपुर कौन सा राज्य है मणिपुर दोस्तों मणिपुर में एक झील है और इस झील का नाम है लोकटक झील बहुत इंपॉर्टेंट झील है याद रखिएगा मणिपुर में एक झील है और झील का नाम क्या है लोकटक झील ये दो वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पहला कारण तो ये है कि ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ये पूरे पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वॉटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इट इज लार्जेस्ट फ्रेश वॉटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये पूरे पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दूसरा कारण यह है कि इस झील में तैरती हुई वनस्पति पाई जाती है इस झील में एक फ्लोटिंग वेजिटेशन पाया जाता है जिसे फुमदी कहा जाता है क्या कहा जाता है फुमदी कहा जाता है और यहीं पर भारत और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहा जाता है इसी लोकटक झील के पास मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज हेयर जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क क्या नाम है लामजाओ नेशनल पार्क क्या तैर रहा है वहां पर फुमदी तैर रही है फुमदी किससे बनती है सर उसमें वनस्पति है उसमें जैविक पदार्थ है और उसमें मिट्टी है तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर और वेजिटेशन से बना हुआ एक पदार्थ तैर रहा है जिसे फुमदी कहा जाता है क्या कहा जाता है कहा जाता है कमेंट बॉक्स में जो लिंक पिन की गई उसको है उसको देखिए मिल जाएगा तो लोकटक झील कहां पर है कमेंट करके बताओ भैया लोकटक झील कहां पर है मणिपुर में है क्यों इंपॉर्टेंट है सर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लाम है और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी झील है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है ठीक आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर आते हैं अब अगला देखो ये कौन सा राज्य है सर ये महाराष्ट्र है तो कल हमने महाराष्ट्र के बारे में क्या बताया था कि महाराष्ट्र में एक जिला है बुलढाना महाराष्ट्र में कौन सा जिला है बुलढाना नाम का जिला है दोस्तों और बुलढाना नाम के जिले में एक झील स्थित है जिसे लोनार झील कहा जाता है ये भारत में स्थित ज्वालामुखी या क्रेटर झील का उदाहरण है ये इंडिया में बनी हुई वॉलकैनिक या क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है या क्रेटर लेक का है कल आपको दिखाया था कहां पर है है कैसे है? अभी मैं आपको कहा न्यूज भी बताऊंगा हाल ही में इसके पानी का रंग बदल गया था सामान्यतः इसका पानी हरा होता है हाल ही में इसका पानी पिंक हो गया था कैसा हो गया था पिंक हो गया था इसका पानी तो उसका कारण भी हम समझेंगे कि उसका रीजन क्या है अगली जो झील है दोस्तों वो केरल में है तो केरल में हमने कल एक लीक के बात की थी याद कीजिए जब हमने लेगून झीलों के बारे में पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि लैगून झील में चिल्का उड़ीसा में आती है पुलीकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आती है कली वैली तमिलनाडु में आती है जबकि केरल में लेगून झीलों को कयाल कहा जाता है और उसमें वेम्ब झील है वैम्बनाड झील है और अष्टमुडी झील है अभी हम बताएंगे आपको अष्टमुडी झील है तो यहां पर दोस्तों केरल में एक झील स्थित है जिसका नाम है वैम्बनाड झील कौन सी झील वैम्बनाड झील वैम्बनाड लेक ये भारत की सबसे लंबी झील है सर लंबी का मतलब क्या हुआ मतलब इस तरह फैली हुई है इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है तो ये भारत की सबसे लंबी झील है ये इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक या बैक वाटर है अब मैं आपको एक बात और बताऊँ ये जो वेम्बनाड झील है ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों जब तक सुंदरबन को रामसर साइट घोषित नहीं किया गया था ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट्स में से एक थी ठीक है दूसरी बात मैं आपको और बताऊं कि वेम्बनाड झील की है का ही एक हिस्सा है जिसे पुनमदा झील कहा जाता है क्या कहा जाता है पुनमदा झील कहा जाता है समझिएगा इस बात को वेम्बनाड लेक का ही एक पार्ट है जिसे पुनमदा झील कहा जाता है और इस पुनमदा झील में हर साल बलमकली हर साल बलमकली नौकायन या स्नेक बोट कंपटीशन होता है जिसके जिसके जिसको जीतने पर नेहरू ट्रॉफी मिलती है ठीक है ओनम के मौके पर हर साल इसमें स्नेक बोट का एक कंपटीशन होता है जिसे बलम कली नौकायन प्रतियोगिता कहते हैं और जो भी इसे जीतता है उसे नेहरू ट्रॉफी दी जाती है तो ये इसका एक और महत्व है ये इसका एक और इंपॉर्टेंस है ओनम के त्योहार पर तो ये भी आपको याद रखना है ये बड़ा ही important है ठीक आगे बढ़ेंगे अगली झील की चर्चा करेंगे तो ये कौन सा राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश ये कौन सा राज्य है आंध्र प्रदेश बिल्कुल एक फिल्म में आप देखे होंगे ऋतिक रोशन वाली मूवी में है ना ये कौन सा राज्य है आंध्र प्रदेश और ये कौन सा राज्य है तमिलनाडु अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमने आपको एक झील के बारे में बताया था जो कि एक लैगून झील है जो कि एक लैगून है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है चौरासी प्रतिशत हिस्सा आंध्र प्रदेश में और 16 प्रतिशत हिस्सा तमिलनाडु में कौन सी झील है अब इतनी हिंट दे दी नाम आ जाना चाहिए इतनी हिंट दे दी है कमेंट बॉक्स में नाम आ जाना चाहिए नहीं बागी में नहीं वॉर में दिखाए थे उसको कौन सी झील है बहुत बढ़िया यहां पर पुलिकट झील है आप किसकी बात कर रहे हैं आप पुलिकट झील की बात कर रहे हैं ठीक है यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है इसके अलावा आंध्र प्रदेश में हमने कौन सी झील देखी थी कोलेरू झील जो कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के पास स्थित है जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर स्थित है ठीक है तो यहां तक ये झीलें याद रहेंगी बोलो यस और नो ये झीलें याद रहेंगी बोलो यस और नो तो एक टेस्ट हो जाए आप लोगों का छोटा सा एक टेस्ट हो जाए आप लोगों का छोटा सा तैयार है ठीक, अरे परेशान मत हो पीडीएफ मिल जाएगी भाई परेशान मत हो ठीक है चलो अब आपका एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा टेस्ट तैयार रहिएगा फिर इन लेक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे इन झीलों के बारे में हम अच्छा जम्मू कश्मीर में एक और झील है मनसबल झील जो कि भारत की सबसे गहरी झील मानी जाती है चलो मैं नंबर लिखूंगा और आपको बताना है कि मैं किस झील की बात कर रहा हूँ ठीक है सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर वन नंबर वन फिर मैं यहां लिख रहा हूं नंबर टू यहां मैंने लिख दिया नंबर थ्री मैंने लिख दिया नंबर ठीक है मैंने लिख दिया दोस्तों नंबर फाइव यहां मैंने लिख दिया यह नंबर सिक्स ठीक यहां मैंने लिखा सेवन और यहां मैंने लिखा एट यहां मैंने लिख दिया नाइन चलो बताओ कौन कौन सी झील है नंबर लिखा है मैंने आपको लेक का नाम बताना है ठीक बहुत बढ़िया जवाब आने लगा है सर नंबर वन जो आपने लिखा है ये तो है वुलर लेक कौन सी लेक है सर वुलर लेक कहां पर जम्मू कश्मीर क्यों इंपॉर्टेंट भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बहुत अच्छे सर ये जो नंबर टू आपने लिखा है ये कौन सी झील है मुझे तो पता नहीं है आप ही को जवाब देना है नंबर टू चोलामू कैसे हो जाएगी दोस्तों नंबर टू तो मैंने यहां लिखा है वो नंबर थ्री है नंबर टू बताओ देखो तो नंबर टू चोलामु बोल रहे हैं बिल्कुल ही मतलब ध्यान ही नहीं रखना है कि नहीं नंबर नंबर लिखा तो यहीं लिखेंगे अरे भाई जरूरी थोड़ी ना है ये ये कौन सी झील है लोनार कहा पर है महाराष्ट्र में है बुलढाणा में क्यों इंपॉर्टेंट है ज्वालामुखी झील है क्यों इंपॉर्टेंट है ज्वालामुखी झील है नंबर थ्री कौन सी है सर ये है चोलामू लेक कहां पर है सिक्किम में क्यों इंपॉर्टेंट है भारत की सबसे ऊंची झील है सर हाइएस्ट लेक है इंडिया की नंबर फोर कौन सी झील है सर लोकटक क्यों है कहाँ पर है मणिपुर क्यों इंपॉर्टेंट है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है सर और यहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जहां पर संघाई नाम का हिरण पाया जाता है जो कि एक डांसिंग डियर है नंबर फाइव कौन सी झील है चिल्का कहाँ आती है सर उड़ीसा में भारत पूरे एशिया का खारे पानी का सबसे बड़ा लेगुन ठीक है पूरे एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगुन चलो नंबर सिक्स क्या है नंबर सिक्स तो नंबर सिक्स है सर वेम्बनाड झील कौन सी है वेम्बनाड झील वेम्बनाड लेक कहाँ आती है सर केरल में आती है क्यों इंपॉर्टेंट है सर भारत की सबसे लंबी झील है इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है यहीं पर जो पुनमदा झील है उस पर बलमकली स्नैक बोट कॉम्पिटिशन होता है नेहरू ट्रॉफी के लिए बलमकली स्नैक बोट कॉम्पिटिशन नेहरू ट्रॉफी के लिए आयोजित होता है इसलिए इम्पोर्टेंट है नंबर नंबर सेवन, जवाब आया किसी ने दिखा नंबर सेवन का जवाब सिक्स तो हो गया वेम्बनाड नंबर सेवन बताओ कलम कली नहीं भाई बलम कली क्या ही लिख देते हो यार <laughs> चलो ठीक है ये भी सही है अच्छा नाम दिया आपने कलम कली चलो नंबर सात कौन सा है पुलिकट <laughs> पुलिकट झील कहाँ पर है सर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कैसी झील है सर लैगून झील है लैगून नंबर आठ नंबर एट कौन सा है सर ये कोलेरू है कहाँ पर है आंध्र प्रदेश कैसी है फ्रेश वाटर लेक है सर मीठे पानी की वेरी गुड उम्मीद करता हूं कि सबको याद हो गया होगा बोलो क्लियर है कोई बात नहीं कोई बात नहीं अच्छा है भाई ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए क्लास में बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ यस और नो क्लियर है या नहीं है तो आगे बढ़े अगले टॉपिक पर अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे इनकी डिटेलिंग करेंगे और एम में चूंकि ये टॉपिक मेंस में भी है तो मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा लिखने का कि अगर ये सवाल दो नंबर में आता है जो कि आने की पूरी संभावना है तो मुख्य परीक्षा में आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे मेन्स में आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे चलिए देखो क्या होता है दोस्तों पहले एक झील में आपको पढ़ा देता हूं फिर हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए बात कर लेते हैं हम जान चुके हैं कि ये उड़ीसा में स्थित एक लैगून झील है अब बेसिक बातों की चर्चा थोड़ी सी आप कर देखिए दोस्तों ये उड़ीसा में जिस जगह पर है उसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है उसे नदर्न सरकार कोस्ट कहा जाता है यह मुख्य रूप से उड़ीसा के पुरी गंजम और खुर्दा वाले क्षेत्र में फैली हुई है जैसा हमने बताया था कि ये भारत और एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है ये इंडिया और एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है आप इसके अलावा याद रखें यह भारत का प्रथम रामसर आर्द्र भूमि है ये इंडिया की फर्स्ट रामसर वेटलैंड साइट है 1981 में इसे रामसर आद्रभूमि घोषित किया गया था 11 नवंबर 2002 को इसे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से हटाया गया जबकि 1983 में इसे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था ठीक है <coughs> ये देखें ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैगून है यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं जिसमें नालाबंद द्वीप कृष्ण प्रसाद द्वीप तोमोलो द्वीप और कालीजय द्वीप आते हैं नदियों की बात करें तो दया नदी मकरा नदी मालगुनी नदी और भार्गवी नदी अपना पानी चिल्का झील में गिराती हैं। अब कुछ बातें समझने वाली हैं, कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है सर आपने हमें पहला पॉइंट ये बता दिया कि जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में आती है क्लियर है आपने ये भी कहा कि उड़ीसा में ये नदरन सरकार कोस्ट पर है उत्तरी सरकार तट पर है मुख्य रूप से ये पुरी गंजम और खुर्दा में फैली हुई है ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहां तक सारी बातें क्लियर है लेकिन दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है दूसरी बात आपने ये कही कि ये भारत की प्रथम ये इंडिया की प्रथम रामसर आर्द्र भूमि है इट इज इंडिया फर्स्ट रामसर वेटलैंड साइड 1981। तो सर ये रामसर आर्द्र भूमि क्या होती है देखिए दोस्तों आर्द्र भूमि आर्द्र भूमि या वेटलैंड का सीधा सा मतलब होता है कोई भी स्थान जो दलदली हो कोई झील हो इन सभी को हम आर्द्र भूमियों का नाम देते हैं आर्द्र भूमि बेहद जरूरी होती है क्योंकि ना सिर्फ ये पानी का संरक्षण करती हैं बल्कि बड़ी मात्रा में यह जैव विविधता को भी आधार प्रदान करती हैं, बड़ी मात्रा में बायोडायवर्सिटी को भी ये बेस प्रदान करती हैं। तो रामसर एक शहर का नाम है जो कि ईरान में है कैसपियन सागर के पास उस रामसर नाम के शहर में सभी देशों ने मिलकर के एक समझौता किया कि हम दुनिया की इन आर्द्र भूमियों को बचाएंगे और जो भी महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है उसे हम रामसर की सूची में रखेंगे और फिर उनका कंजर्वेशन करेंगे फिर उनका संरक्षण करेंगे तो भारत में बहुत सारी रामसर साइट है पर पहली जो रामसर साइट थी वो चिल्का झील थी 1981 में इसे घोषित किया गया था ठीक है दूसरी बात और समझो आप लोग बड़ी जरूरी है देखो दोस्तों इसी रामसर आर्द्र भूमि के तहत एक और समझौता किया गया जिसे मॉन्ट्रियक्स साइट कहा जाता है जिसे मॉन्ट्रियक्स सूची कहा जाता है ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या कहा जाता है मॉन्ट्रियक्स सूची कहा जाता है मॉन्ट्रियक्स लिस्ट कहा जाता है इसमें ऐसी रामसर भूमियों को रखा जाता है जो बहुत ज्यादा खतरे में होती हैं जो बहुत ज्यादा इंडेंजर्ड होती हैं तो चिल्का लेक को 1983 में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया था लेकिन 2003 में जैसा मैंने आपको बताया कि 2002 में माफ कीजिए 2002 में इसे मॉन्ट्रियक्स सूची से बाहर कर दिया गया तो याद रखना उछल उछल के मत बोलना कि ये तो बहुत अच्छी बात है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में अगर कोई भी आर्द्र भूमि आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा खतरे में है वो बहुत ज्यादा इंडेंजर्ड है इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग तो पहले चिल्का लेक को मॉन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड में डाला गया था लेकिन 2002 में इसे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया इसका मतलब अब चिल्का लेक की स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर हो चुकी है अब वहां पर खतरा नहीं है दो बात हो गई फिर हमने एक और बात आपको क्या बताई कि ये भारत नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का अर्थात ब्रैकिश वाटर लेगून है ये भी हमने चर्चा कर लिया फिर इसमें हमने नदियों की बात करी कि कौन कौन सी नदियां इसमें गिरती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है दाया नदी और भार्गवी नदी ये सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं अच्छा यहाँ पर द्वीप भी हैं। इस झील के अंदर द्वीप भी हैं। आइलैंड भी है और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट द्वीप है वो है नालाबन द्वीप ये एग्जाम में पूछा जाता है कि चिल्का झील पर कौन सा द्वीप है तो यह नालाबन और इसके अलावा सोमोलो द्वीप भी आप याद रखेंगे ठीक है सोमोलो और नालाबन द्वीप अब सर ये तो हो गई जानकारी यहां से सवाल आएगा हम बता देंगे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है लेकिन आप ये बताइए सर कि अगर मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आ गया तो हम कैसे लिखेंगे क्या हमारा तरीका होना चाहिए देखो दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहता हूं जितने भी लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जितने भी लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि एम में आपसे दो नंबर का सवाल भी पूछेगा सात नंबर का सवाल भी पूछेगा दस नंबर का सवाल भी पूछेगा तो हमेशा एम में आपको टेम्पलेट के आधार पर पढ़ाई करनी चाहिए ये क्या होता है देखो हर टॉपिक का आप एक टेम्पलेट बना सकते हैं कि अगर इस टॉपिक से प्रश्न निकल करके आया तो हम यही जवाब लिखेंगे यही आंसर लिखेंगे एक टेम्पलेट बना लिया फिर उसमें चीजों को भर दिया जैसे मान लीजिए कि आप झील वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो झील का एक <coughs> का एक टेम्पलेट बनाइए कि अगर झील से दो नंबर का प्रश्न आता है तो मेरे तीन पॉइंट क्या होने चाहिए कौन से तीन पॉइंट में लिखू तो सबसे पहले जो पॉइंट आप लिखें वो अवस्थिति के बारे में लिखें वो हमेशा आप लोकेशन के बारे में लिखें दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा आप किसके बारे में लिखें अवस्थिति के बारे में लिखें ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है फिर इसके बाद इसके बाद अगर उसकी कोई विशेषता है आप उसके बारे में लिख दीजिए और फिर उसके बारे में जो सबसे विशेष बिंदु है कोई करंट का टॉपिक है कोई बहुत ही नया टॉपिक है तो उसके बारे में लिख दीजिए जिस दिन मान लीजिए कि आपसे उसने चिलका झील के बारे में पूछा तो चिलका झील के बारे में पहला पॉइंट आप क्या बनाएंगे कि उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का लेगोन ये पहला पॉइंट बनेगा आपका उड़ीसा में स्थित भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगोन इंडियाज लार्जेस्ट लेगून लोकेटेड इन दी ओडिशा ये पहला पॉइंट बन गया दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है ये भारत की पहली रामसर आर्द्र भूमि है दोस्तों तो दूसरा पॉइंट आप बना सकते हैं कि यह भारत की प्रथम रामसर आद्र भूमि है इंडियाज फर्स्ट रामसर वेटलैंड साइट अब तीसरे पॉइंट में आपके पास भर भर के पॉइंट हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें चाहें तो आप नदियों के नाम लिख सकते हैं आप चाहें तो द्वीपों के नाम लिख सकते हैं यह पॉइंट आपके पास बच जाता तो अगर टेम्पलेट आप बनाएंगे तो टेम्पलेट बना करके पढ़ने में आसानी होगी और हर एक लेख के बारे में आप लिख पाएंगे हर एक झील के बारे में आप लिख पाएंगे ठीक है चलिए तो ये तो हो गई चिल्का के बारे में बात अब चिल्का के बाद जो ये देखिए मैप देख लीजिए एक बार चिल्का लेक का मैप है इस तरीके से चिल्का झील है ये चिल्का झील है ये अलग अलग द्वीप हैं जिसमें नालाबंद द्वीप और सोमोलो द्वीप आपको दिख रहा है ठीक है चिल्का इसमें नदियों को अगर आप देखें तो ये दया नदी है दया नदी ठीक है ठीके? ये भार्गवी नदी है ये इंपॉर्टेंट नदियां है दया नदी है भार्गवी नदियां है ये खुर्दा दिख रहा है ये महानदी का डेल्टा है उस तरफ आप जाएंगे तो महानदी का डेल्टा मिलेगा अगली जो झील है दोस्तों यह है वुलर झील कौन सी झील वुलर झील तो वुलर के बारे में सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं कि यह कहां पर है तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोर वाले इलाके में बुलर झील स्थित है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इसका निर्माण विवर्तनिक गतिविधि से हुआ है इसीलिए यह एक विवर्तनिक झील है इसमें आसपास जो नदियां बहती हैं उसमें झेलम आरिन और मधुमती ये तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं झेलम आरिन और मधुमती इसके अलावा झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना बनाई गई है अन्य तथ्यों में आप याद रखें कि इससे पहले यहाँ पर सतीसार नाम की एक झील थी 1990 में इसे रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया इसमें एक द्वीप है और द्वीप का नाम है जैना लंक बड़ा इंपॉर्टेंट द्वीप है ये फिलहाल बहुत ज्यादा प्रदूषण और अतिक्रमण की समस्या से ग्रसित है तो वुलर लेक के बारे में पॉइंट पता होने चाहिए। अब देखो ये तो आपको पता ही है कहाँ पर है जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में कहा बांदीपुर में कैसी झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस प्रकार से बनी विवर्तनिक है नदी तो यह भी आपको बताया था कि यहां से झेलम नदी निकलती है और झेलम नदी के ऊपर तुलबुल परियोजना है तो इतनी बातें ऑलरेडी आपको पता है एड क्या करना है सर एड करना है कि झेलम के अलावा आर्यन और मधुमती नाम की नदियां हैं आर्यन और मधुमती नाम की नदियां हैं अगला 1990 में रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया यहां पर एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम क्या है जैना लंक बड़ा ही इंपॉर्टेंट द्वीप है ये पूछा जा सकता जैना लंक ऐड कर लीजिए बात खत्म ठीक है आगे बढ़े अगले टॉपिक पर आए चिल्का भी हो गया चिल्का के बाद वुलर भी हो गया आगे बढ़ते हैं अगला जो झील है दोस्तों अगली जो लेक है उसका नाम है लोनार झील कौन सी झील है लोनार झील अब हमें क्या-क्या पता है पहले वो रिकॉल करो तो हमें ये पता है है कि लोनार झील पर कमेंट करके जवाब देंगे तो सर ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना में है दूसरी बात हमें क्या पता है ये कैसे बनी है तो सर ये उल्कापिंड या ज्वालामुखी के टकराने से बनी है ये वाली चीज भी हम जानते हैं ठीक अब और अन्य बातों को समझ लेंगे ठीक है ये लोनार लेक की लोकेशन है आप देख पा रहे हैं लोनार नाम की जगह है कहाँ पर है बुलढाणा महाराष्ट्र में खारे पानी की झील है अ एल्काइन वाटर है इसका भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है इंडिया की लार्जेस्ट क्रेटर लेक है यह भी माना जाता है कि उल्कापिंड के टकराने से बनी अब एक चीज आप समझो देखो हाल ही में क्या हुआ दोस्तों कि लोनार लेक का पानी मूल रूप से हरा पानी है कैसा पानी है हरा पानी है ध्यान दीजिएगा लोनार लेक का जो पानी है वो हरा पानी है लेकिन हाल ही में इसका पानी पिंक हो गया कैसा हो गया पिंक हो गया तो फिर वैज्ञानिकों ने यह बताया कि आखिर ये हरा पानी पिंक हुआ कैसे तो ये पाया गया कि इसमें एक माइक्रोब आ गया और माइक्रोब का नाम है हेलो आर्किया हेलो हार्किया नाम का एक रोगाणु या माइक्रोब इसमें आ गया जिसकी वजह से इस झील का पानी कैसा हो गया गुलाबी हो गया इस लेक का पानी कैसा हो गया पिंक हो गया ये हाल ही की खबर है उसके अलावा जो लोनार झील है वो एक राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक भी है नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट भी है 1979 में इसे घोषित किया गया तो याद रखना अभी अभी लोनार झील चर्चा में थी इसका पानी हरे से कैसा हो गया पिंक हो गया और रीजन क्या है तो रीजन है हेलो आर्किया नाम का एक माइक्रोब हेलो आर्किया नाम का एक रोगाणु ठीक है यहां तक बात समझ में आ गई तो हमने चिल्का के बारे में बात कर ली हमने वुलर के बारे में बात कर ली और फिर हमने किसके बारे में बात कर ली लोनार झील के बारे में भी बात कर ली ठीक आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर आते हैं अगला जो है वो है सांभर झील अब याद करो हम क्या क्या जानते हैं तो हमें क्या क्या पता है सर हमें पता है कि यह जयपुर और अजमेर के बीच में राजस्थान में स्थित है सर हम ये भी जानते हैं कि इसका पानी नमक वाला है ये कैसा पानी है नमक वाला पानी है ये सॉल्ट वॉटर वाली लेक है जहां से नमक उत्पादन किया जाता है सर हम ये भी जानते हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय खारे पानी की झील है यह इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक है इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक है तो यह पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है तो नए पॉइंट क्या है उनके बारे में हम पढ़ते हैं देखो यह जयपुर है यह नागौर है यह अजमेर है और बीच में आपको सांभर झील दिखेगी इस तरह से अगर मैप में भी आप देखें तो यहां आपको सांभर झील दिखाई देगी अजमेर जयपुर नागौर नागौर और जयपुर में मुख्य रूप से ये फैली हुई है मुख्य रूप से उस इलाके में ये दिखाई देती है दोस्तों तो इसमें आप देखें अजमेर और जयपुर के बीच में राजस्थान में है भारत की सबसे बड़ी खारा हो गया है नमकीन पानी होगा ठीक है सॉल्ट वाटर होगा 1990 में इसे रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया 2019 में दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई टू में यहां एक बहुत बुरी घटना घटित हुई क्या होता है ये जो झील है तो इसके किनारे हर साल माइग्रेटरी बर्ड आते हैं प्रवासी पक्षी आते हैं अर्थात दूर से प्रवासी पक्षी यहां पर आते हैं दूर से माइग्रेटरी बर्ड यहां पर आते हैं पर 2019 में दोस्तों इस झील में एक बीमारी फैल गई जिसे एवियन बोटोलिज्म कहा जाता है और इस बीमारी के कारण लगभग बाईस हजार प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई 22,000 माइग्रेटरी बर्ड यहां पर मारे गए और ये एक ऐसी झील है जो कि चारों तरफ से अरावली पर्वत से घिरी हुई है अरावली माउंटेन से घिरी हुई है तो ये बात आप समझिएगा दोस्तों अभी बताया ना मैंने आपको ग्रीन इसलिए है क्योंकि उसमें ऐसे सब्सटेंस पाए गए थे आनंद कि उसका पानी ग्रीन है कई बार ना जिस चट्टान पे झील बनती है उसी चट्टान में ऐसे खनिज पाए जाते हैं जिसकी वजह से उसका पानी हरा था ठीक है अब ये याद रखना दोस्तों कि जो सांभर लेक है उसमें 2019 में 22,000 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई उसमें एवियन बोटोलिज्म नाम की एक बीमारी पक्षियों को फैल गई वहां का पानी पीने से जिससे 22,000 माइग्रेटरी बर्ड्स मर गए ठीक है साइबेरियन पक्षी ये आपको याद रखना है और सांभर झील अरावली पर्वत से घिरी हुई है ये अरावली पर्वत से सराउंडेड है अगली झील के बारे में बात करते हैं पुलिकट तो पुलिकट के बारे में हमें क्या क्या पता है पहले ये याद रखिए तो पुलिकट के बारे में हम जानते हैं कि सर ये जो पुलिकट नाम की झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है चौरासी प्रतिशत हिस्सा आंध्र प्रदेश में आता है और सोलह प्रतिशत जो हिस्सा है वो तमिलनाडु में आता है सर हम यह भी जानते हैं कि यह एक लेगून झील है इट इज अहगून लेक अब नई बातें क्या हैं उनके बारे में जरा समझते हैं तो चिल्का कोलेरू और ये पुलिकट ये देख लीजिए यहाँ पर अलग से आपको दिखेगी ये पुलिकट झील है अब पुलिकट झील को अगर आप ध्यान से देखें तो यहीं पर दोस्तों आपको श्रीहरी कोटा भी देखने मिलेगा क्या देखने मिलेगा श्रीहरी कोटा द्वीप भी देखने मिलेगा सर श्रीहरी क्यों जरूरी है श्रीहरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है यहां भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन दूसरी बात इस झील में अगर आप नदियां देखें तो कलिंगी नदी दिखाई देगी अरानी नदी दिखाई देगी और इस तरफ देखें तो स्वर्णमुखी नदी दिखाई देगी तो इसमें आप पाएंगे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है भारत की दूसरा सबसे बड़ा लैगून है ये यहाँ पर श्रीहरिकोटा नाम का द्वीप है जहाँ सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बना हुआ है नदियों में अरणी नदी है कलंगी नदी है और स्वर्णमुखी नदियां हैं यहाँ पर एक नहर भी है और नहर का नाम है बंकिंगम कैनाल और हर साल यहाँ फ्लैमिंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है फ्लैमिंगो इस प्रकार के पक्षी होते हैं दोस्तों ये वाला पॉइंट विशेष तौर पर याद रखना कि यहाँ एक नहर है यहाँ एक कैनाल है और उस कैनाल का नाम है बंकिंगम कैनाल कौन सी कैनाल है बंकिंगम कैनाल है तो ये भी आपको याद रखना है ठीक है तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि श्री द्वीप किस झील के पास स्थित है जो श्री आइलैंड है जिस पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है तो वो किस झील के पास स्थित है दोस्तों तो जवाब देंगे वो पुलिकट झील के पास स्थित है पुलिकट झील के पास स्थित है वो पुलिकट लेक के पास बना हुआ है ठीक याद रखेंगे इस चीज को दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट चलिए आगे बढ़ते हैं अब पुलिकट के बाद जो अगली झील है वो है लोकटक झील तो अब लोकटक के बारे में हमने क्या क्या बताया था वो याद करो तो सर पहली बात हम ये जानते हैं कि लोकटक झील कहां पर है मणिपुर में है दूसरा पॉइंट ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वॉटर लेक है तीसरा यहाँ पर फुमदी पाए जाते हैं फुमदी मतलब तैरता हुआ वेजिटेशन जो कि मृदा वनस्पति और जैविक पदार्थों से बना है तो यहीं पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और उस राष्ट्रीय उद्यान को केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहा जाता है इसी राष्ट्रीय उद्यान में एक हिरण की प्रजाति पाई जाती है जिसे संघाई हिरण कहा जाता है जो बहुत ही इंडेंजर्ड है जिसे डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है तो आइए लोकटक लेक के बारे में पढ़ते हैं देखिए ये मणिपुर है तो मणिपुर में इस तरह आपको लोकटक झील देखने मिलेगी तो ये मणिपुर में स्थित है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है याद रखेंगे इस बात को इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है लाइफलाइन ऑफ मणिपुर कहा जाता है यहां फुमदी नाम की वनस्पति पाई जाती है जो तैरती है और फुमदी किससे बना है मृदा जैविक पदार्थ और वनस्पति से बना हुआ है तो यहीं पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ लुप्त प्राय संघाई हिरण पाया जाता है इंडेंजर्ड संघाई डियर भी यहाँ पाया जाता है उन्नीस में इसे रामसर आद्रभूमि घोषित किया गया और उन्नीस में इसे मॉन्ट्रियक्स सूची में डाल दिया गया इसका अर्थ यह है कि यह झील आज भी बड़ी इंडेंजर्ड है आज भी यह लेख खतरे में है हर साल 15 अक्टूबर को लोकटक दिवस मनाया जाता है और ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये संघाई हिरण की फोटो है और इन्हें आप ध्यान से देखिए अभी आपको ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे लेकिन जब आप जूम करके देखेंगे तो इस पर घर बने हुए हैं तो ये बहुत बड़े आकार के सब घर बने हुए हैं इस पर तो यही है फुमदी ये पूरे में आप देखिए ये फुमदी है दोस्तों ये क्या है ये पूरे फुमदीज है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन फुमदीस फुमदीस को फुम्दीज के ऊपर जो घर बने हुए हैं उन घर को हटा दीजिए उन घर को क्या कीजिए हटा लीजिए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है इसको याद रखिएगा इस तरह दिखाई देते हैं और ये पूरा इलाका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है यहां पर आपको लेक देखने मिलेगी चलिए अगली जो झील है वो है वेम्बनाड झील इसे वेम्बनाड कयाल भी कहेंगे और ज्यादा बेहतर है कि हम इसे बैक वाटर कहें जल कहें कहां पर है तो हम जान चुके हैं ये केरल में स्थित है दोस्तों तो केरल में इस इलाके में आपको वेम्बनाड अष्टमुडी और भी सारी अलग अलग झीलें मिलेंगी तो देखिए दोस्तों केरल के ये तीन जिलों में फैली हुई है कोटायम अलप्पुझा एनारकुलम इन क्षेत्रों में वेम्बनाड झील फैली हुई है ये भारत की सबसे लंबी झील है इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है अब देखो अगर कभी भी आपने केरल की ट्रिप प्लान की हो या किसी से भी आपने पूछा हो कि भाई हमें केरल घूमने के लिए जाना है तो हमेशा वो आपको एक नाम बताएगा कि यार अपनी ट्रिप को अलप पूजा से शुरू करो तो ये जो अलप पूजा नाम की जगह है ये बड़ी ही मशहूर जगह है केरल की और आप भी जाएंगे तो अपनी ट्रिप अलप पूजा से शुरू करेंगे यहीं पर आप वेम्बनाड झील पहुंचेंगे और वेम्बनाड झील में जो बोट हाउस होते हैं उन बोट हाउस की आप शेयर कर पाएंगे तो ये सारी चीजें यहीं पर हैं दोस्तों तो ये भारत की सबसे लंबी झील है या इसको आप लेगून भी कह सकते हैं यहाँ बहुत सारी नदियां हैं जैसे मिनाचिल रिवर आ, अचान कोविल नदी मणिमाला नदी पेम्बा नदी यहाँ पर एक बहुत ही फेमस द्वीप है एक बहुत ही फेमस आइलैंड है और इस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप और यहाँ पर नेशनल हाईवे नौ है जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर है अन्य बातों में यहाँ हर साल मारा मोन सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन कन्वेंशन होता है यहाँ ईसाई धर्म का एशिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन कन्वेंशन होता है जिसे मारा सम्मेलन कहते हैं पुम्बा नदी के किनारे जैसा मैंने बताया था कि ओनम पर नेहरू ट्रॉफी का आयोजन होता है पुनमदा झील में अलप पूजा के पास बलमकली स्नेक बोट यहाँ कुमार कोम राष्ट्रीय उद्यान है और 19 अगस्त 2002 को इसे रामसर आद्रभूमि घोषित किया गया था इसे रामसर वेटलैंड घोषित किया गया था तो ये दो बातें याद रखना यहां मरामोन ईसाई धर्म का सम्मेलन आयोजित होता है जो कि एशिया धर्म का सबसे बड़ा सम्मेलन है सॉरी ईसाई धर्म का सबसे बड़ा एशियाई सम्मेलन है एशिया का लार्जेस्ट क्रिश्चियन कन्वेंशन है मरामोन सम्मेलन कुंबा नदी के किनारे इस झील में पास होता है याद रहेगा याद रहेगा क्लियर है ठीक है 8:45 पर रोज क्लास होती है याद रहेगा ये वेम्बनाड लेक के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं ठीक चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर आते हैं अब देखो ये वेम्बनाड झील है वेम्बनाड के बाद सस्थम कोटा झील है उसके बाद अष्टमुडी झील है जो सस्थम कोटा झील है इसे कहा जाता है केरल केरल के झीलों की रानी देखो ध्यान दो भैया राजा रानी की बात आ गई केरल के झीलों की रानी किसे कहा जाता है कमेंट करके बताओ तो सर सस्थम कोटा झील को ध्यान देना इस बात को प्रश्न पूछा गया था जो केरल में सस्थम कोटा नाम की झील है इसे केरल में झीलों की रानी कहा जाता है क्वीन ऑफ लेक्स इन केरला कहा जाता है क्यों कहा जाता है सर इसलिए दोस्तों क्योंकि चाहे आप वेम्बनाड की बात करें चाहे आप अष्टमुडी की बात करें ये दोनों खारे पानी की झीलें हैं। इनका अधिकांश पानी खारा है लेकिन जो सस्थम कोट्टा झील है ये मीठे पानी की झील है ये केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है इट इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला इट इज दी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला नाम क्या है सस्थम कोट्टा। नाम क्या है सस्थम कोटा याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण बातें हैं केरल के झीलों की रानी चलो अगली झील के बारे में डल झील कौन सी झील है दोस्तों डल तो वुलर के बारे में हमने बता दिया अब डल के बारे में कुछ बातें याद रखना ये भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है डल शब्द का अर्थ होता है झील मीठे पानी की झील है इसे कश्मीर के मुकुट का हीरा कहा जाता है इसे क्राउन डायमंड ऑफ कश्मीर कहा जाता है दोस्तों यहां पर तैरते हुए बगीचे पाए जाते हैं जिन्हें राड कहा जाता है और यहाँ हाउस बोट पाई जाती हैं, इस तरह की जिन्हें शिकारा कहा जाता है ठीक है इसके अलावा आखिरी झील जो है वो है कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित एक झील है यह एक मीठे पानी की झील है यहाँ कृष्णा गोदावरी तम्मीलेरू और बुदा मेरू नाम की नदियां आती हैं अटापका पक्षी अभ्यारण यहाँ है नवंबर 2002 में इसे रामसर आद्रभूमि घोषित किया गया था यह एक प्रकार से ये बाढ़ संतुलन का काम करती है इस झील को एक राष्ट्रीय अभ्यारण के रूप में भी अधिसूचित किया गया है तो ये भारत की महत्वपूर्ण झीलें हैं याद रखना दोस्तों जो डल नाम का शब्द है हम हमेशा से ये शब्द बोलते हुए आए हैं कि कश्मीर में बुलर झील है कश्मीर में डल झील है डल का अर्थ ही होता है झील डल का मतलब क्या होता है झील ये जो शब्द है डल इसका मतलब ही होता है झील याद रखेंगे इस बात को ठीक है दूसरी बात याद रखना कि डल झील बहुत प्रदूषण और अतिक्रमण से ग्रसित है दल लेक जो है है। वो एक्सट्रीम पोल्यूशन और को फेस कर रही है। यहां पर हाउस बोट पाई जाती हैं, जहां आप रुक सकते हैं ये भी केरल के वेम्बनाड झील की तरह ही होती हैं, लेकिन यहाँ मौसम ठंडा होता है केरल में कंपैरेटिवली जो मौसम है वो बहुत हद तक आपको आर्द्र मौसम देखने मिलेगा तो यहां जो हाउस बोट है वो शिकारा कहा जाता है उनको क्या कहा जाता है शिकारा और यहां पर कुछ बगीचे हैं तैरते हुए अगर आप एक फिल्म देखे हो एक फिल्म आई थी आईबी नाम की फिल्म आई थी विद्युत जमावाल की तो विद्युत जमावाल की उस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखिए इसी झील में दुकानें भी लगी हुई है ऊपर ही अपनी दुकानें लगाए हैं बोट के ऊपर अपनी दुकानें लगाए हैं ठीक है तो यहाँ दुकानें भी लगाई जाती हैं ठीक तो ये चीज आपको याद रखनी ऑल गुड तो ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण झीलें हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कोलेरू देखो दोस्तों इनको भूलने का तो सवाल ही नहीं है ये आपको याद रखना ही है यहां से सीधे सीधे, सीधे सवाल पूछे जाते हैं यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है क्लियर है यहां तक बात समझ में आ गई आपको ठीक है यहां तक बात समझ में आ गई आपको? आपको ओके तो कल हम क्या करेंगे दोस्तों कल हम भारत की अन्य झीलों का अध्ययन करेंगे जो अदर लेक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कल हम प्रश्न भी लगाएंगे कल हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ठीक है तो कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कल हम लेक वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे ठीक तो 8:45 पर आपसे मिलेंगे याद रखिएगा इसके बाद मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा कल की क्लास के बाद हम आपको पीडीएफ दे, दे देंगे तो कल की क्लास और अटेंड कीजिए फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा एक साथ और फिर हम आगे बढ़ेंगे क्लास समझ में आई उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से आप चीजों को सीख रहे होंगे कल हम इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे और कल हम क्या करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ देखो दोस्तों एक बहुत अच्छी मेहनत की गई है आप लोगों के लिए ये सब मैंने बनाया है इस तरह से हम आपको झीलें पढ़ाएंगे एक एक राज्य की झीलें आपको याद करवा देंगे कल हम एक एक राज्य की झीलें और कल ही आपसे प्रश्न भी लगवा देंगे कल आपसे एमसीक्यू भी लगवा देंगे तो इस तरह से हम लेख पढ़ा देंगे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको पिन की गई है कल इसका पी भी आपको मिल जाएगा तो सारी लेख्स आपको याद हो जाएंगे ठीक तो कल आपसे मुलाकात होगी झीलों की तीसरी और आखिरी क्लास के साथ अपना ख्याल रखिए बहुत खुश रहिए बहुत मेहनत करिए एनर्जेटिक रहिए जय हिंद जय भारत गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू